दोस्तों क्या हो अगर आपको कोई ऐसा रिमोट मिल जाए जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल कर सके। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस वीडियो में जब माइकल नाम के एक आदमी को ऐसा ही रिमोट मिल जाता है और इस रिमोट के जरिए वह अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव करता है। तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में एंड तक। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक काफी छोटा और सुखी परिवार होता है। इस हमले में उसकी वाइफ का नाम डोरा होता है जिनके दो बच्चे होते हैं सेनाथा और केबिन। तभी माइकल अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बना रहा होता है क्योंकि माइकल एक बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट का काम करता था और वह काफी बिजी रहता था, इसलिए वह अपने बच्चे की स्विमिंग पूल कंपटीशन में नहीं आ पाया और आया तो स्विमिंग पूल कंपटीशन खत्म हो चुका था और यहाँ पर अपने बॉस से ही बात करता रहता है। तभी माइकल का बॉस उसे एक बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहता है और माइकल भी अपने काम में जुट जाता है। तभी वह अगले दिन अपने घर पर जाता है और उस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्री लिख रहा होता है। तभी वह अपनी वाइफ से कहता है कि शायद इस प्रोजेक्ट के चलते हम अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। तभी उसकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और माइकल अपने काम में लग जाता है। तभी वह पास पड़े एक रिमोट को उठाता है लेकिन उस रिमोट से हेलीकॉप्टर चल जाता है जो कि माइकल के सर में आकर लगता है। तब से परेशान होकर माइकल एक यूनिवर्सल रिमोट के लिए बाहर चला जाता है। अब यूनिवर्सल रिमोट एक ऐसी चीज होती है जिससे कि घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वह स्टोर में पहुंचता है और स्टोर कीपर से यूनिवर्स के बारे में बताता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और माइकल सीधा आगे चला जाता है जहाँ पर वह एक बेड पर लेट जाता है। तभी पीछे मुड़कर देखता है कि उसे एक शॉप दिखाई देती है और वह उस शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक मोंटी नाम का आदमी मिलता है। तभी मोंटी उसे एक बहुत बड़ी जगह पर ले जाता है। तभी मोंटी उसे बताता है कि यह रिमोट सब कुछ कंट्रोल करता है। तभी माइकल बहुत खुश होता है और वह इस रिमोट को लेकर अपने घर चला जाता है। तभी वह डॉक्यूमेंट्री मूवी स्टार्ट करता है और उसके पीछे उसकी वाइफ डोरा आ जाती है, वह उससे झगड़ा करने लगती है। तभी गलती से माइकल के हाथ से रिमोट का पॉज बटन दब जाता है और इसके कारण उसकी वाइफ पॉज हो जाती है। तभी वह नोटिस करता है कि डोरा रुक चुकी है। इसके बाद वह कंटिन्यू बटन दबा देता है और डोरा फिर से नॉर्मल हो जाती है। तभी वह बेसमेंट के अंदर काम करने लगता है और वहाँ पर एक कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। तभी माइकल रिमोट का बटन दबाकर उसका वॉल्यूम कम कर देता है और उस कुत्ते की वॉल्यूम सच में कम हो जाती है और इसके थोड़ी देर बाद वह उसे म्यूट भी कर देता है। तभी वह गार्डन में अपने कुत्ते को लेकर जाता है और फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाकर उसे जल्दी जल्दी काम करवा लेता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरा की फ्रेंड आई होती है और वह काफी ज्यादा बोल रही थी, इसलिए माइकल अपना रिमोट लेकर उसे स्टॉप कर देता है जिसके कारण वह वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद माइकल मोंटी से मिलने के लिए जाता है और वह उसे कहता है कि उस दिन वह तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, यह रिमोट तो काफी अच्छा है, मुझे इसका इस्तेमाल करना आ गया है। तभी मोंटी उससे कहता है कि यह एक यूनिवर्सल रिमोट है, इससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो और अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। तभी वह माइकल को मेन्यू बटन दबाने के लिए बोलता है और तभी हम देखते हैं कि माइकल के पुराने दिन वहाँ पर घूमने लगते हैं जहाँ पर माइकल एक काफी छोटा बच्चा था और वहाँ अपने जन्म होते हुए भी देखता है और इसके बाद कुछ बच्चों के साथ वह बेसबॉल भी खेल रहा होता है। तभी वह अपने मॉम डैड को भी देखता है। तभी मोंटी माइकल को फिर से नॉर्मल बटन दबाने के लिए कहता है और वह अपने नॉर्मल टाइम में आ जाता है। तभी माइकल को मोंटी अपना कार्ड दे देता है ताकि उसे कुछ दिक्कत ना हो। इसके बाद माइकल अपने बॉस से मिलने के लिए कंपनी में जाता है। तभी उसका बॉस उससे कहता है कि अगर तुमने यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो वह उसे एक बहुत बड़ा प्रमोशन देगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने लिए दूसरी नौकरी तलाश कर लेना। तभी माइकल अपने घर आ जाता है और उसकी वाइफ अपने मॉम डैड को डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी और वह उसे मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा काम होता है और मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है। तभी माइकल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वह अपने पेरेंट्स का यहाँ पर आने और उनका खाना खाने और बच्चों को खेलने वाला टाइम सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जिससे कि सब कुछ मिनटों में ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वह काम करने की जगह पर आ जाता है। तभी वहाँ पर डोरा आ जाती है और माइकल से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने पेरेंट्स को बर्थडे वाले दिन सरप्राइज गिफ्ट करोगे, लेकिन यह बात माइकल भूल जाता है क्योंकि उसने फास्ट फॉरवर्ड जो कर दिया था। तभी वह मोंटी को कॉल करता है और तुरंत ही मोंटी उसके घर पर आ जाता है। तभी वह उसे बताता है कि तुमने फास्ट फॉरवर्ड वाले टाइम में यह सब बातें कह दी होंगी, इसलिए तुम्हारी वाइफ तुमसे कह रही है। तभी माइकल को समझ आ जाता है और वह तुरंत अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन माइकल सुबह उठता है और अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर वह हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन आज उसके पास यूनिवर्सल रिमोट होता है इसलिए वह फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाकर तुरंत ऑफिस चला जाता है। तभी रात को जैपनीज टीम के साथ उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर पार्टी भी चल रही थी जिसमें 40 लोग एक साथ होकर बात कर रहे थे। तभी माइकल वॉल्यूम का बटन दबाकर वॉल्यूम तेज कर देता है और इसी कारण वह जैपनीज लोगों की सारी बातें सुन लेता है और आकर अपना प्लान चेंज करके इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेता है जिससे कि उसका बॉस उससे काफी इम्प्रेस होता है। तभी माइकल खुश होकर घर पर आता है और बच्चों के लिए साइकिल और अपनी बीवी के लिए
एक महंगा पर्स लेकर आ जाता है, जिससे कि वह काफी खुश हो जाती है। तभी वह माइकल को अपनी पहली मुलाकात का गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन माइकल गाने का नाम भूल जाता है। तभी वह रिमोट के पीछे के टाइम में जाता है और वहाँ पर उस गाने का नाम देख लेता है। तभी डोरा वह गाना सुनकर काफी खुश हो जाती है और अगले दिन माइकल फिर से अपने बॉस से मिलता है और बॉस उससे कहता है कि माइकल तुम्हें और भी प्रोजेक्ट्स करने होंगे, तभी तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हें 3 से 4 साल लग जाएंगे। माइकल अपने बॉस से कहता है कि मैंने अपने प्रमोशन की खुशी में काफी पैसे खर्च कर दिए हैं और आप मेरे साथ ही गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी माइकल रिमोट से अपने इस सीन को पोस्ट कर लेता है और अपने बॉस को खूब पीटता है और तभी थोड़ी देर बाद वह उसे रिमोट से नॉर्मल कर देता है। तभी वह मोंटी के पास जाता है और उसे कहता है कि वह अपनी लाइफ को 3 से 4 महीने तक आगे करना चाहता है, लेकिन मोंटी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी माइकल यह सब करने से मान जाता है। तभी वह घर वापस चला जाता है और अपना काम करने लग जाता है और अपने बच्चों को भी डांटने लग जाता है और इससे माइकल को काफी बुरा लगता है। इससे माइकल फैसला कर लेता है कि वह 3 महीने आगे जाएगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वह खुद को 3 महीने बाद एक ऑफिस पार्टी में पाता है जहाँ पर उसे प्रमोशन मिल चुका था और इस प्रमोशन को मिलने में 2 साल लग गए हैं। तभी उसका बॉस अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल जाता है और अब वह घर वापस आता है और वह जानता है कि उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिए हैं और घर आकर देखता है कि उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके हैं और उसका कुत्ता भी मर गया है और यह सुनकर उसे काफी दुख होता है। तभी वह अपनी वाइफ को गले लगा लेता है, लेकिन इसके बाद भी टाइम अपने आप ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और वह सोचता है कि यह सब हुआ कैसे। तभी वह मोंटी को कॉल करता है, लेकिन अचानक से मोंटी वहां पर पहुंच जाता है और वह उसे कहता है कि अगर तुम इस बटन से फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो वह अपने आप ही टाइम ऑटोमेटिक फास्ट फॉरवर्ड होने लगेगा, क्योंकि उस पल की सारी चीजें इस पल से अकाउंट हो जाएगी। तभी वह उस रिमोट को वहां से उठाकर दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से उसके पास आ जाता है, लेकिन वह तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह टूटता भी नहीं है। तभी वह समझ जाता है कि अब वह उससे दूर नहीं होगा। अगले दिन जब माइकल उठता है तो वह फास्ट फॉरवर्ड के डर से अपने ऑफिस में साइकिल से चला जाता है। तभी ऑफिस में बॉस उसे ऐसा करने की वजह पूछता है। तभी माइकल अपने बॉस को अजीब अजीब चीजें बता देता है, जिसके कारण वह अपने कपड़े उतारने लग जाता है। तभी माइकल का बॉस उससे कहता है कि वह कहीं घूमने जाना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन अब उसकी कुर्सी सिर्फ तुम संभाल सकते हो और अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम जल्द ही इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे। यह बात सुनकर माइकल काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी रिमोट में फास्ट फॉरवर्ड का बटन ऑन हो जाता है और फिर से उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। तभी माइकल अपने रूम में सोया हुआ होता है और उसके बॉस का वीडियो कॉल आता है और हम देखते हैं कि माइकल अब काफी मोटा हो चुका है और इन सब में करीब 10 साल बीत चुके हैं। तभी वह घर जाता है और पाता है कि उसका बेटा केविन भी 10 साल बड़ा हो चुका है और इस हालत के लिए वह अपने पिता को ही जिम्मेदार मानता है, क्योंकि माइकल ने बचपन से ही उसकी परवरिश ठीक नहीं की। तभी माइकल अपनी बेटी समंथा से मिलता है और वह काफी बड़ी हो चुकी थी और सुंदर भी। इसके बाद माइकल अपनी वाइफ से मिलने के लिए गार्डन में जाता है। तभी वह देखता है कि डोरा ने अपने बच्चों की भविष्य ठीक करने के लिए दूसरे आदमी से शादी कर ली है और यह देखकर माइकल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह इन सब का जिम्मेदार मोंटी को ठहराता है। तभी मोंटी भी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे डांटने लगता है। तभी जैसे ही माइकल प्ले का बटन दबाता है, वैसे ही डोरा का कुत्ता माइकल पर हमला कर देता है और उसे सर पर चोट लग जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है और वह देखता है कि उसके शरीर की सारी चर्बी गायब हो चुकी है और अब वह काफी अच्छा महसूस कर रहा है और उसकी वाइफ उसके पास होती है। तभी डोरा उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर था, इसलिए तुम्हारा वजन जल्दी जल्दी बढ़ रहा था और इसी बीच इस चीज में काफी समय लग गया, जिसके बाद तुम 6 साल बाद इस बीमारी से ठीक हुए हो। और इसके बाद माइकल अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर वह देखता है कि उसकी वीडियो एक बड़े स्क्रीन पर चल रही होती है, जिसके ऊपर आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर लिखा हुआ था। माइकल ने अपने सारे सपनों को चूर चूर कर दिया था और वह अभी इन सबसे खुश नहीं था। तभी वहाँ उसका बेटा केविन उसके बिजनेस में हेल्प करता है और वह अपने बेटे के ऑफिस में जाता है और उससे बात करता है। तभी माइकल अपने डैड से मिलना चाहता था और उसका बेटा उसे बताता है कि उन्हें गुजरे हुए काफी साल हो चुके हैं और यह सुनने के बाद माइकल काफी रोता है और परेशान हो जाता है। तभी वह रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करने के साथ साथ अपने पिछले समय में जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। तभी मोंटी भी वहाँ पर आ जाता है और उसको सब कुछ बताता है कि तुम उस समय में थे ही नहीं, इसलिए वहाँ पर नहीं जा पा रहे हो। इसके बाद माइकल उस समय में चला जाता है जहाँ पर उसके डैड बिजनेस संभालते थे। तभी वह देखता है कि माइकल उसके रिजाइन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पिता रिजाइन देने जा रहा था और आज माइकल अपने पुराने माइकल को देखकर काफी गुस्सा होता है और इसके बाद माइकल अपने फादर पर काफी गुस्सा करता है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कह देता है और माइकल के डैड उसे अलविदा
कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोंटी कब्र के आगे माइकल से कहता है कि मुझे भी उनके जाने से काफी दुख हुआ। तभी माइकल मोंटी से पूछता है कि तुम मेरे डैड को कैसे लेकर जा रहे थे। तभी मोंटी माइकल से बताता है कि मैं एक एंजल हूँ और मैं लोगों की आत्मा उनसे छीन लेता हूँ। और यह बात सुनकर माइकल काफी डर जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है और गुस्से गुस्से में फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है, जिससे कि वह काफी सालों आगे चला जाता है। तभी वह देखता है कि वह काफी सालों आगे आ चुका है और एक पार्टी के अंदर स्पीच दे रहा होता है और इसी बीच उसे वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी उसे होश आता है, तब वह अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है और तभी केबिन और समांथा उसे मिलने के लिए आते हैं। तभी माइकल केबिन से कहता है कि तुम हनीमून पर क्यों नहीं गए। इसके बाद माइकल उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए बोलता है। तभी उसका बेटा माइकल उससे कहता है कि वह एक अर्जेंट मीटिंग के कारण हनीमून पर नहीं गया और वह अपने परिवार का काफी अच्छे से ख्याल रखता है और उसे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना होता है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है और माइकल भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी मोंटी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन माइकल बेड पर वापस नहीं लौटना चाहता था, इसलिए वह अपने बेटे का पीछा करने लगता है और वह बाहर केबिन के पीछे भागने लगता है और बाहर काफी तेज बरसात भी हो रही होती है, इसलिए वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी माइकल के बेटा और बेटी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर माइकल केबिन को समझा रहा होता है कि हमेशा अपने परिवार को टाइम देना, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता है। और वह डोरा से भी कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, तुम मुझे भूल मत जाना। तभी मोंटी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और माइकल से कहता है कि अब चलने का समय हो गया है और तभी वह उसकी आत्मा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी माइकल मर जाता है और सभी लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी एकदम से हम दूसरे सीन में पहुँच जाते हैं और हमें माइकल का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह शॉप के अंदर एक बेड पर लेटा हुआ था और माइकल वहाँ पर तेजी से घबरा कर उठ जाता है। तभी वह अपने आप को आईने में जिंदा देखता है और एकदम से चौंक जाता है। तभी उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है और वह उस लड़के को गोद में उठा लेता है और जोर जोर से घूमने लगता है और वह अपनी पुरानी गाड़ी को भी देखकर काफी खुश होता है। और अब माइकल को परिवार का मतलब समझ आ गया था और वह सबसे पहले आकर अपनी मॉम डैड से मिलता है और उन्हें अपने डिनर पर इनवाइट करता है और अपने घर पर जाकर जोर जोर से बर्तन बजाने लगता है, जिससे कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स जग जाए। और अपनी वाइफ से कहता है कि चलो जल्दी सामान पैक कर लो, हमें अपनी ट्रिप के लिए जल्दी से निकलना होगा। और अपने बच्चों से वादा करता है कि अगले हफ्ते हम अपना पुराना ट्री हाउस बनाएंगे। और तभी वहाँ पर रखे हुए उस रिमोट को देखता है और साथ में एक नोट भी होता है। और इसके बाद माइकल समझ जाता है कि यह सब काफी रियल था। तभी वह सही फैसला लेकर उस रिमोट को डस्टबिन में डाल देता है और अब अच्छे से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहने लगता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।